हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक प्रॉब्लम, ये जो हमारे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मिस्टर सचिन ज्वाइन करेंगे। इस लाइव क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा हमारे एक ऐप यूजर मिस्टर आर के तिवारी के ऐप यूजर है, मेरे मोबाइल ऐप को यूज करते हुए उन्होंने कोर्स लिया हुआ। जी हाँ, मेरा मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो चुका है। जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को पहली बार देखा है, उनको पता नहीं होगा कि मेरा मैप ऐप जो है लॉन्च हो चुका है। तो इस वीडियो के नीचे देखिए लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे सारे वीडियोस सिक्वेंसली मिलेंगे। जी हाँ, यूट्यूब पे 5000 वीडियोस है, बट नॉट ए सिक्वेंसली और पूरी कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोशनल वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। मेरे ऐप में सारे वीडियोस सिक्वेंसली है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। जी हाँ, बहुत रीजनेबल प्राइस में। मेरे लाइव क्लासेज और इसके प्राइस के बीच में बहुत डिफरेंस है, तो रीजनेबल प्राइस के अंदर में हमें मैं दे रहा हूँ। तो फटाफट जाइए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस ऑनलाइन जूम क्लासेज में मिस्टर सचिन जी के साथ VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग। जी आज टॉपिक में हम VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में लूप की मदद से एक रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जी, रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सचिन जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम द क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो शुरू करें आज की टॉपिक। आज की टॉपिक जी लूप से ही रिलेटेड है, बट वो रियल टाइम प्रॉब्लम पे है। अब रियल टाइम प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली हमारे एक ऐप यूजर है जो मोबाइल ऐप यूज करते हैं, उन ऐप यूजर जो है हमारे, वो ऐप यूजर, ये देखिए मिस्टर आरके हैं, उन्होंने मुझे एक सवाल भेजा है, एक क्वेश्चन भेजा है। ठीक है जी। कि उनके पास एक डेटा है जिसको स्प्लिट करना है अलग अलग वर्कशीट में प्लान के बाद। ब्लैंक के बाद जी हाँ, तो उनका डेटा का मैंने हालांकि उनका डेटा कुछ और भेजा था, और जाहिर सी बात है मैं उनकी डेटा है उस पर काम नहीं कर सकता। मैंने उन्हीं की जैसा एक अपना डेटा क्रिएट किया हुआ है, जिससे कि डेटा है ना सर, इसके बाद यहाँ ब्लैंक रो है, फिर इसके बाद डेटा है, फिर तीन चार रो ब्लैंक है, फिर डेटा है। तो दो हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तो ब्लैंक रो कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट मे बी ब्लैंक रो होगा। ओके, तो मुझे इन जितने भी ब्लैंक रो है उसको अलग अलग सीट पे कॉपी पेस्ट करना है। समझ गए सर? हाँ, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है अपने फॉर्मूले की मदद से। फॉर्मूला देखे ना सर, फॉर्मूले की मदद से मैंने अलग अलग सीट पे किया होगा, बट फॉर्मूला ऑटोमेशन नहीं किया है। फॉर्मूले ने क्या किया है, सेमी ऑटोमेशन किया है। मैं VBA से एक बटन पे क्लिक करूं और हो जाए, ऐसा कुछ करने वाला, और इस तरह की प्रॉब्लम रियल लाइफ में आ सकती है सर। तो इसके पहले वाला जो आपने बताया था प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे? हाँ, पहले इसको देख लीजिए, फिर उस पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो तो आपको करने के लिए दिया था ना सर, आप इतने नींद से क्या कर रहे थे, नहीं करिए आपने, आपने हुआ नहीं आपसे? नहीं सर, मेरे से वो हो नहीं रहा था। ओके, तो उसका मैंने ये बना दिया हुआ है, फॉर्मूला के जरिए बनाया हुआ है, वो देखने एक्सेल में। हाँ, एक्सेल में फॉर्मूला के जरिए मैंने बनाया है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है। मैं वीडियो थोड़ी देर भेज देता हूँ, एक बार वीडियो देखिएगा तो कुछ और आइडिया आ जाए क्या। हालांकि मैंने भी उसको सॉल्व बीवी में सॉल्व नहीं किया, और ये भी मैं पहली बार ही कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं सर, वो वीडियो तो मैंने देखा ही था, उसका एवेंजर्स का जो वीडियो था ना आपका, वो वीडियो मैंने देखा था सर, वो ही मैं कल सॉल्व कर रहा था तो नहीं हो पा रहा था। उसका जिस तरह से फॉर्मूला यूज किया गया है ना सर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, कि सॉल्व आसान वाला तो हो जाता है, बट डिफिकल्ट वाला में प्रॉब्लम आता है मुझे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमारा डेटा
है सबसे पहले स्टार्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में कोई ब्लैंक रो वगैरह है, तो स्टार्ट करने से पहले उसको डिलीट कर देंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हम करना क्या चाहते हैं, मैं एक बार इसको रिकॉर्ड मैक्रो के जरिए कोड ले लेता हूँ, तो उसके अपने हिसाब से चेंज कर लूंगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसको कंट्रोल ए किया और यहां से कट कर लिया, फिर एक नई सीट इंसर्ट की, उस पर मैंने पेस्ट कर दिया। जो वापस सीट पे आए और जो कट वाला सिस्टम था, जो यहाँ पे A1 से डायरेक्ट इस पे आए, फिर कंट्रोल ए किया, फिर इसको कट किया और एक नई सीट में हम पेस्ट किया। सेम यही मेथड करना है, ठीक है? ओके। देखना पड़ेगा। नहीं समझे सर? नहीं समझ गया मैं। देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। जगह पे मैं लिखूंगा रेंज डॉट सेलेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ रेंज A1 डॉट सेलेक्ट नहीं करना हो, माफ कीजिएगा, मुझे इसमें एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर देना होगा पहले से। रेंज A1 डॉट एंड एक्स प्लस डाउन डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट, उसके बाद हम करेंगे सिलेक्शन डॉट यहाँ पे सीट ऐड करेंगे, सीट में पेस्ट करेंगे और सीट वन सिलेक्ट, तो यहाँ पे सीट वन को हम डेटा कर देते हैं, डेटा को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे हम डेटा कर देते हैं डेटा। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या बोल रहे हैं? अब इसको एक बार करता हूं, एक बार किया ना सर, लेकिन मुझे इसको टाइम टू टाइम करना है। म्यूट है सर आपका। तो इसमें मुझे जो है अब एक बार चल रहा है ना, अब इसको जितना ब्लैंक रूप ब्लैंक है उतने बार चलाना है, जितना बार डेटा है उतने बार चलाना है सर। ओके, अब कैसे कैसे हम करें कि उतना बार चले हो? कितना डेटा इसमें है, हाउ कैन मतलब कि कैसे वर्क करेंगे इसको? तो सबसे पहले तो कि यहाँ पे मतलब कि लूप से बाहर ही हमें हाँ रेंज वन और एंटायर रो डॉट और रो इंसर्ट कर देना है, पहले से नहीं है इसमें, दो रो इंसर्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें लूप में इसमें चलाना है,
मुझे हाउ टू आइडेंटिफाई कि कितने नंबर ऑफ इसमें इसको इस माइक्रो कितना बार रिपीट किया जाए, कैसे पता चलेगा? तो इसमें आपको देखना होगा कोई हेडिंग, क्योंकि हर डेटा का हेडिंग मान लीजिए अगर सेम है, कोई भी एक हेडिंग सेम है या कुछ भी ऐसा है कि हाँ सब में सेम है, उसको काउंट करना होगा। तो मैं यहाँ पे नेम है तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे एक वेरिएबल देता हूं जिम, सी एज ए लॉन्ग, और फिर यहां पे देता हूं कि सी इक्वल टू डॉट काउंट, वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, इसमें हम देंगे सीट्स डेटा और रेंज ए बाई ए, नेम को काउंट करेगा, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे दूंगा मैं कि फोर सी फोर आई इक्वल टू चले वन टू, और यहाँ पे लग रहा है पूरा कर देगा। मैं बार रन करता हूं, एक मिनट मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं सर, डेटा डिलीट कर देगा ना सर। परफेक्टली वर्क किया, एक बार कोड दिखाइएगा सर। सर जो लास्ट में सी में जो नेम लगा हुआ है वो क्या डिनोट कर रहा है? जैसे कि हमने क्या बोला आपको कि हमने हमारा पहला कोड है, मैं कोड काम ही कर रहा है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही को कॉपी कर रहा है, मतलब कि इसने यहाँ से ऊपर आया, इसको कंट्रोल किया, इसको कट किया और पेस्ट कर दिया, और सेम चीज इसको बार बार करना है ना सर। तो बार बार करने के लिए हमें बताना होता होगा कि तो हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी नेम है, हेडिंग है ना, नेम का हेडिंग है, उतना बार करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी कि एक ही ब्लैंक हो, अगर एक ही ब्लैंक होगा तो हम यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक हो, किसी में तीन है, किसी में दो है, किसी में पांच है, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या किया, हमने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया कि भाई काउंट इफ कॉलन ए में, कॉलन ए जो हमारा है इसमें, कॉलन के अंदर में जाओ, जितने भी नेम है उसको काउंट करो, समझे? अच्छा, मतलब कोई एक रो जो है वो कॉमन होना चाहिए तभी तो काउंट करेगा, यही ना? जी जी, एक कॉमन होना चाहिए, उसको काउंट कर लिया, और जैसे ही काउंट किया लूप को उतना मिल गया, फिर ए वन पे गया। अब देखिए कैसे कर रहा है, मैं बताता हूं आपको, एक मैं इसको चला रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए ऊपर आपका कोई ब्लैंक हेडिंग नहीं है, तो ये आया, ए इफेक्ट करता हूं, एक मिनट में इसको छोटा कर देता हूं, देखेंगे कि इफेक्ट क्या हो रहा है, ठीक है? इफेक्ट किया तो एक ब्लैंक रो इंसर्ट किया, एक और ब्लैंक रो इंसर्ट किया। ये ब्लैंक रो इंसर्ट क्यों किए कि जब ये A1 से नीचे आएगा एंड एक्सेल डाउन होना चाहिए ना सर, तो ब्लैंक होगा तभी तो डाउन होके नेम पे आएगा। अब मैं यहीं पे आऊं और यहीं पे डाउन करूं तो नीचे आ जाएगा ना सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर,
अब यहां पे हो गया, अब लू इसने काउंट ने काउंट किया, काउंट बताया कि नेम सिक्स है, टोटल सिक्स नेम कॉलम ए में है, तो लूप को एक से लेके शेयर तक चलो और फिर डाउन आके सिलेक्ट करो, तो पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया तो कट कर दिया, कट हो गया, फिर को ऐड किया और उस पर पेस्ट कर दिया, फिर वापस डेटा शीट पे आ गया। फिर हम ए वन, फिर सेम चला, ए वन से नीचे आया, कर्सर यहां आ गया, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कट किया, फिर नेक्स्ट शीट ऐड किया, पेस्ट कर दिया और सेम छह बार चला। सर तो इसमें जो ब्लैंक है वो कहां डिलीट हो रहा है? ब्लैंक को डिलीट करेगा, ब्लैंक को थोड़ी डिलीट कर रहा है, शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं सर, मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या रहा है। मैं समझ गया कोड को, मैं समझ गया सर, लेकिन मेरा कहना है कि जो मान लीजिए कि ब्लैंक्स है, जैसा कि आपका कहना है कि तीन ब्लैंक है, चार ब्लैंक्स है, तो उसको छोड़कर फिर कैसे रीड करेगा नेक्स्ट डेटा को? उसको छोड़ना थोड़ी है ये, यहाँ कैसे आप एक बार देखिए मैनुअल दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैनुअल हो रहा है वही फॉर्मूला कर रहा है। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले कि यहाँ पे इसने ब्लैंक रो इंसर्ट कर दिया सर, फिर यहाँ पे गया और कंट्रोल डाउन प्रेस किया, यहाँ पे कर्सर आ गया, कंट्रोल किया, इसको कट कर लिया, क्या किया, कट, कॉपी नहीं किया सर, कट कर लिया, फिर इसको किया यहाँ पे कर दिया एक नई सीट। अब जब कट हुआ तो ब्लैंक हो गया ना सर डेटा, फिर वापस गया और कंट्रोल के साथ डाउन आया, डाउन सर, ओके, कंट्रोल ए किया, फिर इसको कट किया, तो डेटा को डिलीट करते जा रहा है। ठीक है सर, फिर ब्लैंक हो गया, फिर यहां गया, फिर नीचे आया, क्लियर है? हाँ हाँ। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि बंदा बोल सकता है कि नहीं सर मुझे अपना ओरिजिनल डेटा रखना है, आपके मैक्रो ने तो ओरिजिनल डेटा कोई डिलीट कर दिया, बट मैं ओरिजिनल डेटा चाहिए, अपनी ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करना चाहता, तो क्या करेंगे, इस कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे, इंसर्ट से पहले हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे एक ले जाएंगे डेटा शीट पे, शीट्स डॉट कॉपी और हम यहां पे देखिए आफ्टर और एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू ओके सर, यहां पे हम दे देते हैं टैम, यहां भी दे देते हैं, तो फाइनल हो जाएगा तो करेगा पे करेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल और हम यहां करेंगे सी टैम डॉट डिलीट, यहां पे एप्लीकेशन डॉट फॉल्स क्यों लगाया, क्योंकि जब डिलीट होगा तो पूछेगा कंफर्म करने के कंप्यूटर से पूछेगा यस नो ओ ना है, स्किप कर दे। अच्छा, इससे क्या होगा कि हमारा जो ओरिजिनल सीट है उस पे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये कर क्या रहा है एक बार देख लीजिए वन बाय वन, तो ये मैं एफर्ट प्रेस करता हूं, एफर्ट किया, इसने क्या किया इसकी एक कॉपी बना दी, उसका नाम टैम्प रख दिया, अब टैम्प इसने ब्लैंक सीन इंसर्ट किया
उसकी काउंटिंग ली, फिर उसमें लूप चलाया, कॉपी पेस्ट किया, 6 बार। और बाद में उस टाइम सीट को डिलीट कर दिया, तो यूजर को पता ही नहीं चला कि एक सीट भी ऐड हुई थी। ओके, समझ गए? तो डेटा में से डिलीट नहीं ना हो रहा है सर? डेटा तो आपका जैसा तैसा है, ओरिजिनल डेटा तो जैसा तैसा है, इसकी कॉपी बना लिया ना सर, हमने क्या बोला है? हमने कॉपी कर लिया ना, एक जब कॉपी और यहाँ पे टाइम सीट का एड्रेस मैंने दे रखा है, यहाँ टाइम का एड्रेस दे रखा है, तो आपका डेटा शीट में कौन जाएगा? वो यहाँ डिलीट किया है, टाइम सीट को डिलीट किया है, तो डेटा शीट से मतलब ही नहीं है। ठीक है सर, ओके, समझ गए? विदाउट इसमें नहीं सर। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? ओके, तो वीडियोस में एक बार और देखिए, अगर फिर भी आप वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कल मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है सर। और इसको मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है सर, सोच सोच के सर, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सोच लिया कैसा होगा। नहीं सर, जब तक आप बताते नहीं तो मेरे समझ में